एन के एस कराची मोटर वेलकम तो भाई आपका भाई नादर खान जा रहा है इस एक सिटी का रिव्यू करने जो कि मैंने आप तमाम भाईयों को तक हफ्ता पहले बताई थी कि भाई टाइम मिलेगा तो, उस गाड़ी का तो भाई इस टाइम की तरफ जा रहा हूँ और होंडा सिटी है जनाब दो दो का मॉडल दो हजार दो की होंडा सिटी है और हैवी ऑटोमेटिक वहां चलेंगे इच्छा जो उसकी डिटेल्स होगी शेयर करेंगे और प्रॉपर गाड़ी का रिव्यू करेंगे आप लोग बहुत वेट कर रहे थे नादुर भाई होंडा सिटी एड करें तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा इन जो भी उसकी डिटेल्स होगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा दोस्तों आज जो हमारे पास जनाब गाड़ी रिव्यू के लिए ना वो ये है होंडा सिटी ठीक है जी पीछे हमारी वेगनार खड़ी है जनाब और बस इस गाड़ी की अभी हम चाबी लेंगे और इन अपनी वेगनार को यहीं खड़ा करेंगे और ये गाड़ी हम लेके जाएंगे और इस गाड़ी का जो प्रॉपर रिव्यू है वो इनशाला बनाएंगे हम ठीक है जी बस की चाबी आने लगी है फिर जो भी इसकी डिटेल्स होगी मैं आप लोगों से इनशाला शेयर करूँगा इस गाड़ी की दोस्तों यहाँ पर जो ना भाई गाड़ी जो है ना जो इसके ऑनर है वो लेके जा रहे हैं हमारे साथ साथ ठीक है ये गाड़ी जा रही है आगे पिकअप के तो उन्होंने कहा है कि बेटा मैं आपके साथ चलता हूँ मैंने कहा ठीक है सर चले कोई इशू नहीं है मैंने कहा आप चलेंगे तो अच्छा है आप गाड़ी अपनी वापस ले आइएगा बाकी जनाब बस इन शह चलते हैं क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो बनाता हूँ पार्क के पास क्योंकि वहाँ शोर शराबा नहीं होता सुकून से गाड़ी की वीडियो बन जाती है आप लोगों को वॉइस भी सही आ रही होती है वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के हिज़ु अमान में होंगे मैं हूँ नादर खान आप देख रहे हैं एन के एस कराची मोटर वेलकम बैक है इस भाई आपका भाई नादर खान आप तमाम भाइयों के लिए होंडा सिटी लेके जनाब हज़ुर हुआ है इस गाड़ी का एक हफ़्ता पहले मैंने आप तमाम भाई से जिक्र किया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई जैसे टाइम मिलेगा इस गाड़ी के लिए मैं जाऊँगा और आप तमाम भाई के लिए इस गाड़ी का रिव्यू बनाऊंगा तो दोस्तों आज हमारे पास ये गाड़ी मौजूद है रिव्यू के लिए तो इस गाड़ी का हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे आपने इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक देखना है एक एक चीज़ बताऊंगा उसके बाद आपने इसके ऑनर को कॉल करनी है पहले आपने ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आप में से कोई भाई गाड़ी का ऐड लगवाना चाहे तो भी मुझसे रबता कर सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा टाइम को जानी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के फ्रंट से लुक की आप लोग गाड़ी का फ्रंट से लुक देख देखें जी गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ठीक है फ्रंट की इसकी जो ग्रिल है ये बिल्कुल ठीक है आप लोग देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बताता चलूँ इसका नंबर देखें जी ट्रिप्पल सेवन इस गाड़ी का नंबर है अगर हम बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की तो साइड से भी आप लोग गाड़ी को देख लें जी अगर हम बात करते हैं जनाब इस गाड़ी के टायरों की तो मैं टायर आप लोगों को दिखा देता हूँ जनाब टायर गाड़ी के बिल्कुल न्यू है आप लोग देख सकते हैं रिम और टायर गाड़ी में बिल्कुल न्यू डले हुए हैं साइड से आप लोग गाड़ी को देख लें आप लोग इस तरफ से देख सकते हैं गाड़ी को और दोस्तों बैक की जो गाड़ी की लाइट्स हैं ये आप लोग देख लें जी बैक की गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ठीक है आप लोग देख सकते हैं ऑटोगेट ट्रांसमिशन में ये गाड़ी है और इस तरह से भी गाड़ी को आप लोग देख लें जी दोस्तों गाड़ी के अंदर रिम बहुत खूबसूरत डाले हुए हैं जो गाड़ी को बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं आप लोग देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बताता चलूँ जनाब बाहर से ये गाड़ी पूरी पेंट है शावर है मतलब अंदर से भी आपको दिखाता हूँ गाड़ी अंदर से कैसी है और जनाब अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के नीचे फुटबेरियों की तो ये आप गाड़ी की फुटबेरियाँ देख लें जी फुटबेरियाँ गाड़ी की देख सकते हैं गाड़ी की फुटबेरियाँ बिल्कुल ठीक है पिलर्स की बात करते हैं तो पिलर भी आप लोग गाड़ी के देख लें जी पिलर भी गाड़ी के बिल्कुल जेनवन कंडीशन में है अंदर से अगर हम इसके सीटों की बात करते हैं तो सीटों का जो सीट कवर है ये आप लोग देख सकते हैं गाड़ी के अंदर चढ़े हुए हैं डैशबोर्ड गाड़ी का बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अगर इसके हम मीटर्स की बात करते हैं तो मीटर्स गाड़ी के देख लें गाड़ी के मीटर्स बिल्कुल ठीक हैं ऑटो गेट ट्रांसमिशन में ये गाड़ी है ऑन राइट पैनल भी यहाँ पर जनाब गाड़ी में लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं छत की बात करते हैं छत आप लोग गाड़ी का देख लें छत गाड़ी का बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है और अगर इसके हम दरवाज़ों की बात करते हैं तो दरवाज़ों की ये सीलें आप लोग देख लें जी दरवाज़ों की सीलें गाड़ी की बिल्कुल ठीक है और बैग से भी आपको दिखाता हूँ जी बैक से भी आप लोग गाड़ी के डोर देख लें डोर गाड़ी के बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है सीलें आप लोग इस गाड़ी की देख लें जनाब सीलें इस गाड़ी की बिल्कुल ठीक है नीचे तक आप देख सकते हैं और नीचे की जो फुटवेरियाँ हैं ये भी आप लोग देख लें गाड़ी की बैक के जो पिलर हैं ये भी देख लें गाड़ी के बिल्कुल ठीक है और दरवाजे आप लोग देख लें जनाब गाड़ी माशाल्लाह संभाल के रखी हुई है स्पीकर वगैरह पीछे दोनों लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर छत गाड़ी का साफ़ कंडीशन में है डिक्की और इंजन रूम में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाड़ी के डिक्की की सीलों की जो डिक्की की सीलें जो हैं ये आप लोग देख लें जी गाड़ी के डिक्की की सीलें जो है ना ये बिल्कुल पूरी हैं आप लोग देख सकते हैं सीलें गाड़ी की बिल्कुल ठीक है आप लोग देख लें जी और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की स्टपनी वगैरह जो है यहाँ पर मौजूद है आप लोग देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये डिक्की आप लोग देख रहे हैं भाई यहाँ हल्का हल्का रस था तो इन्होंने इसके ऊपर जो है ना कलम टचिंग करवा दी है थोड़ा कलर लगवा दिया ताकि वो ज़्यादा उसको रस ना लगे तो बाकी ये है कि उस तरफ़ के जो डोर हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जी और दोस्तों इस तरफ से भी आप लोग गाड़ी को देख लें जी इस तरफ के जो डोर हैं गाड़ी के इसकी जो सीले हैं ये आप लोग देखें बिल्कुल पूरी सीले हैं गाड़ी की नीचे तक देख सकते हैं और इस तरफ से भी देख लें गाड़ी को बाकी जनाब आप लोगों को मैं इस तरफ से भी दिखाता हूँ इस तरफ से भी गाड़ी को देख लें आप लोग इस तरफ के जो डोर हैं सीलों के ये भी आप लोग देख लें बिल्कुल ठीक है पिलर जो है इस तरफ का ये भी आप लोग देख लें जी पिलर गाड़ी का इस तरफ का भी बिल्कुल ठीक है और दोस्तों स्टार्ट करते हैं जी इसका इंजन का साउंड भी आपको मैं सुनवाता हूँ दोस्तों इंजन रूम में आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले आप लोग ऊपर देखें जनाब कितना प्यारा मौसम है और बारिश जो है ना जनाब वो होने वाली है ठीक है जी और अगर हम बात करते हैं जनाब इस गाड़ी के सबसे पहले कुप्पों की तो ये कुप्पे आप लोग इस गाड़ी के देख लें कुप्पे इस गाड़ी के बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अपनी ओरिजिनल सीलों के ऊपर हैं और ये दूसरा कुप्पा भी देख लें जनाब दूसरा कुप्पा भी गाड़ी का बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है आप लोग देख सकते हैं ड्राई बैटरी यहाँ लगी हुई है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है जनाब क्योंकि अगर कहीं गाड़ी खड़ी करो तो ये बैटरियाँ अक्सर चोरी हो जाती हैं तो ताला भी लगा हुआ है फ्रंट की जो पट्टी है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जेनवन कंडीशन में है और अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की बोनट की सीलों की तो ये बोनट की सीलें भी आप लोग देख लें ये बिल्कुल ठीक है आप लोग देख सकते हैं इंजन रूम जो है ना भाई वो इसका सर्विस नहीं हुआ इसके ऑनर का कहना है कि भाई मैं इंजन रूम सर्विस नहीं करवाता क्योंकि जनाब स्टार्ट करते हैं इसका साउंड आपको सुनवाते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे पास गाड़ी की ना ये जेनवन चाबी मौजूद है जी इसमें लगाते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसका साउंड कैसा है गाड़ी जनाब हो गई स्टार्ट ठीक है जी और वेट करें जी हम आपको इसका साउंड सुनवाते हैं दोस्तों देखें जी गाड़ी का इंजन जो है इस टाइम स्टार्ट खड़ी है गाड़ी ठीक है जी आप लोग देख सकते हैं सुन इंजन है गाड़ी का बिल्कुल कि इसके ओनर ने कहा है कि इसका एसी जो है ना भाई मैंने अभी बिल्कुल नया लगवाया है पचास हज़ार रुपये ख़र्चा किया इसके एसी पे मेरा बिल मौजूद है तो जनाब मैं यहाँ पर गाड़ी में बैठ चुका हूँ और ये बल्कि टेप चल रही है आवाज़ बंद करते हैं कॉपी राइट ना आ जाए ठीक है जी अच्छा ऑन राइट पैनल लगा हुआ है चल भी रहा है ये ए भी ऑन हो गया ठीक है जी जनाब गाड़ी का एसी जो है ना वो भी ऑन है और ये हैंडब्रेक मैंने नीचे कर ली ये ऊपर की तो हैंडब्रेक देखें बटन आ गया नीचे की तो हैंडब्रेक का चला गया मतलब ये काम कर रहा है ठीक है जी बाकी ये है कि इसके जो गेयर हैं ये भी आप लोग देख लें जी ठीक है जी रिवर्स पे आ गया न्यूट्रल पे आ गया चेक करें जी और ये ड्राइव पे आ गया चेक करें जी और ये थ्री पे आ गया चेक करें जी और ये टू पे आ गया तो जनाब सारे गेयर आप चेक करें गाड़ी के बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं ठीक है जी पार्किंग पे इसको मैंने कर दिया है बाकी डैशबोर्ड आप लोगों ने देख लिया है गाड़ी उम्मीद है प्रॉपर देख ली होगी डिटेल में आप लोगों से अभी इसकी शेयर कर देता हूँ ए हम बंद करते हैं ए जनाब गाड़ी का चिल्ड है बिल्कुल वेलकम बैक गाइस तो भाई उम्मीद है आप तमाम भाइयों ने इस गाड़ी का जो मुकम्मल रिव्यू था वो देख लिया होगा मेरी कोशिश थी कि पहले मैं आप तमाम भाइयों को ये गाड़ी प्रॉपर दिखाऊं उसके बाद इस गाड़ी की मैं डिटेल बताऊं आते हैं जी इस गाड़ी की हम डिटेल की तरफ होंडा सिटी 2002 का ये मॉडल है अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन सस्पेंशन टायरों की तो भाई इंजन सस्पेंशन बिल्कुल हंड्रेड है इंजन सस्पेंशन में काम वगैरह नहीं है टायर गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे डले हुए हैं रिम गाड़ी के अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू डले हुए हैं एसी गाड़ी का ऑन है इसके ओनर का कहना है कि मेरे पास बिल मौजूद हैं पंद्रह दिन पहले इस गाड़ी के ऊपर मैंने ए के ऊपर पचास हज़ार रुपये लगाए हैं इस गाड़ी का जो ए है उसकी लाइनें जो है ना भाई वीक हो चुकी थी पुरानी गाड़ी है तो मैंने ए सी ओवर हाल नीचे से ऊपर तक पूरा नया कर दिया जिसके अंदर कंप्रेसर कन्नसर और कोलिंग कोयल हर चीज़ गाड़ी के अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू डाली हुई है गाड़ी आप चलाएँ ट्राई लें उसके बाद अपना डेंटर मकैनिक लेके आए उसके बाद आप ये गाड़ी आप परचेज करके लेके जाएँ अगर हम बात करते हैं जनाब इस गाड़ी के नंबर की तो देखें ट्रिपल सेवन नंबर है ये और अगर इसके हम गेयर की बात करते हैं जनाब ये जनवन ऑटो है एक गाड़ी बाद की ऑटो होती है ये जनवन ऑटो है इंजन इस गाड़ी का चेंज है इंजन इसमें न्यू डला हुआ है इंजन जो इसका अपना था वो ख़त्म हो गया था इसके ओनर का कहना है कि भाई इंजन कमज़ोर था तो हमने इंजन नया डलवा दिया हमारा जो मैकेनिक था उसने कहा कि इसका इंजन नया डलवा लें तो आप घर में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इंजन जो इस गाड़ी का चेंज है फ़ाइल पेपर टैक्स सी पी एल सी हर चीज़ गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है तो अगर हम बात करते हैं जनाब इस गाड़ी के पैसों की तो इसके ऑनर डिमांड कर रहे हैं तेरह लाख अस्सी हज़ार रुपये इसमें कमी पेशी हो जाएगी आप में से कोई भाई लेना चाहे तो आप इसके ऑनर से रब्ता करके ये गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं जनाब गाड़ियों की तो भाई सजू मेहरान महरान सजू ओल्टो और सजू कल्टस तेरह तेरह चौदह चौदह तो तो लाख में बिक्री है तो मेरे हिसाब से ये बड़ी गाड़ी है और ये ऑटो गाड़ी है फैमिली के लिए बहुत बेस्ट कार है किसी भाई को लो घर के लिए चाहिए हो तो आप इसके ऑनर से रब्ता करके गाड़ी परचेज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों का हाँ शेयर कीजिएगा चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तमाम बजे तक तो पहुँच सके अपने भाई नादर खान को इजाजत दीजिए अल्लाह ने चाह जिंदगी रही मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़ दोस्तों यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ जी इसकी मैं जो है ना ट्राई लेता हूँ ठीक है जी चला के देखते हैं इसके चलने में कैसी है गाड़ी ठीक है जी तो यहाँ पर जो है ना हम इसको चलाते हैं जी वेट करें जी दोस्तों यहाँ पर जो है ना गाड़ी की जो आप ना ट्राई ली जा रही है आप गाड़ी जो चलने में ना वो तो बिल्कुल ठीक है चल तो गाड़ी बिल्कुल ठीक रही है और बिल्कुल हल्के पैर से गाड़ी उठ रही है ठीक है जी ये है जनाब निसार शहीद पार्क और यहाँ से हम गाड़ी घुमाते हैं वापसी क्योंकि इसके जो ऑनर थे वो गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो उन्होंने कहा कि बेटा आप वीडियो बना लें मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ तो हमारी वेगनार भी वहीं खड़ी है बस वहीं चलते हैं और आ... ठीक है जनाब गाड़ी चलने में बिल्कुल ठीक है जनाब ए सी ऑन है गाड़ी के अंदर और गाड़ी हल्के पैर से उठ रही है ठीक है जी बाकी यह है कि मज़ीद मालूम के लिए आप इसके ऑनर से रबता कर सकते हैं